वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर बैटरी स्कूल में। मैं आपका दोस्त और होस्ट इंजीनियर गौरव दीप शर्मा दिल से स्वागत करता हूं आप सभी का और आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कंटेंट ढूंढना सबसे बड़ा टिपिकल काम होता है वीडियो के लिए। जब तक टॉपिक पता ना हो अच्छे से वीडियो नहीं बन सकती। और मैं आपसे बार बार जो कहता हूं ना कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वो केवल इसलिए कहता हूं कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको कंटेंट देने में कोई हिचक नहीं होगी। 46% वो लोग हैं जो वीडियो को देख के आगे निकल जाते हैं, उन्हें पता नहीं क्या हिचक है जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आप मुझे कंटेंट दीजिए, वीडियो देना मेरा काम है। कुछ लोगों ने लिथियम पे वीडियो मांगी, मैं उस पर भी काम कर रहा हूं। बहुत जल्दी लिथियम के कोर्सेज भी हम लोग शुरू कर देंगे। आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बैटरी पैकिंग से रिलेटेड है। हम लोग बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना लेते हैं, जब डिस्प्ले की बात आती है तो ब्रांडिंग या वहां जाके हम थोड़ा सा डाउन हो जाते हैं। और वजह क्या है, क्योंकि मशीन्स बेस्ड है। डब्बा थर्मोकोल सब लोग लगाते हैं, पर डब्बे की हालत बैटरी के काउंटर तक पहुंचते पहुंचते आधी रह जाती है। अगर हल्का सा एसिड भी छलका तो वो डब्बे को खराब कर देता है, और डब्बे की बैटरी के ऊपर बैटरी आती तो वो वैसे ही खराब हो जाती है। इस सब से बचने के लिए बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, उसको श्रिंक रैप कर देती हैं, पर हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि उसकी मशीन ही 3-4 लाख रुपए की है। तो हम ऐसा क्या करें जो हमारी बैटरी अच्छी परफॉर्म, मतलब अच्छी डिस्प्ले में जाए, और जैसे एमरॉन एक्साइड की बैटरी वहां विजिबल होती है वैसे ही हमारी बैटरी भी हो। उस सब चीजों का सोल्यूशन लेके आया हूं इस वीडियो में, और इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि कितनी इकोनॉमिकल कॉस्ट के साथ हम उस काम को अपने यूनिट में कर सकते हैं। पीछे शायद आवाजें आ रही होंगी, चूंकि दिन का टाइम है, ऑफिस आवर्स में मैं वीडियो बना रहा हूं। अमूमन वीडियोज में शाम में बनाता हूं जब थोड़ा सा आवाजें कम होती है, इग्नोर कीजिएगा दोस्तों, और शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, दो तरीके की पैकिंग होती है, एक होती है थर्मोकोल डब्बे की पैकिंग, एक होती है केवल एलडीपीई की पैकिंग, यानी कि पिन्नी में रैप करके, जिसे आप कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स नहीं देखते हो, 6 बॉटल्स कोल्ड ड्रिंक की, 12 बॉटल कोल्ड ड्रिंक की आती है, वो पन्नी से उठा लेता है बंदा उसको, उसको बोलते हैं हम एलडीपीई पाउच। नॉर्मल अभी तक इसके रोल्स मिलते हैं, जिस वजह से वो हम लोग यूज नहीं कर पाते। हमें क्या करना होगा, उस पर मशीन लगानी पड़ेगी, रोल से ट्यूब बनेगी, ट्यूब से पाउच बनेगा, वो बैटरी उसमें जाएगी, तब टनल के अंदर जाएगी और वो मशीन उसको रैप करके दे देगी। उसका रनिंग लोड भी ज्यादा होता है और उसकी कॉस्ट भी ज्यादा होती है, जिसलिए इसकी वजह से लेमैन इंडस्ट्री में इसको अपने यहां नहीं लगा पाता। हमने उसका सोल्यूशन क्या निकाला अपने लिए, हमने उसके पाउचेज रेडी करा लिए, ई रिक्शा के लिए भी और अपने इन्वर्टर बैटरीज के लिए भी। आइए मैं आपको दिखाता हूं वो पाउचेस कैसे हैं। ये बैटरी आप देख पा रहे होंगे, इस बैटरी में हमने उसको पैक किया, मतलब बैटरी को इसमें पैक किया हुआ है। ये एलडीपीई पॉली है, कितना ही इसको खींचिए खराब नहीं होगी, श्रिंक करिए आराम से श्रिंक हो जाएगी। ये तो रही बैटरी की, इसके ऊपर थर्मोकोल लगाइए, आप ऐसे ही प्रेजेंटेबल बैटरी है। एमरॉन वगैरह इसी तरीके की बैटरी मास्टर पैकिंग में आती है और वो हम ऐसे ही दे भी देते हैं। तो एक तरीका तो ये रहा, दूसरा तरीका है कि हम डब्बे को उसमें पैक कर लें। डब्बे की पैकिंग आ गई दोस्तों कुछ इस तरीके से। हमने, जिसे आपने देखा भी होगा, बैटरी की कंपनी की जो आती है वो इस तरीके की पैकिंग में ही आती है और उसके ऊपर एलडीपी की पॉली रैप होती है। इस पॉली का एडवांटेज क्या है, ये खराब नहीं होगी, खिंचेगी नहीं, फटेगी नहीं। जैसे नॉर्मल पॉली जिसको हम हॉट गन से करके भेज देते हैं, उस पॉली में दिक्कत क्या आती है, वो काउंटर तक पहुंचते पहुंचते फट जाती है और वो प्रेजेंटेबल नहीं रहती। अभी तक कंपनियों के पास इसका सोल्यूशन था, रोल से मशीन, मशीन से फिर पाउच, पाउच से फिर टनल, वो सारा लेंथी प्रोसेस था। इसका एक पाउच ई रिक्शा के लिए लगभग 14 रुपए प्लस जीएसटी बैठता है, आईटी के लिए लगभग 18 रुपए प्लस जीएसटी बैठता है, जो इसकी कॉस्ट आती है। आपने केवल इतना करना है, जैसे आप बैटरी पैक करते हो, पन्नी डालते हो, नॉर्मल पन्नी डाली और उसको हॉट गन से उसको लेमिनेट कर दीजिए। अब ये बैटरी अमर होगी, मतलब जब तक आप इसको खोलेंगे नहीं तब तक आप इसको कितना ही रफली यूज करिए ये फटेगी नहीं। ये एडवांटेज है एलडीपीई पाउचेस के। हम लोगों ने एलडीपी पाउच बल्क में अपने बनवाए हैं, जिन लोगों को रिक्वायरमेंट ही, जो चाहते हैं इसकी सैंपल बनाना भी चाहते हैं, 100 200 400 पाउच अगर चाहिए आपको, वो पाउच भी मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा और इन फ्यूचर हम इसको आपको रेडी करके भी दे देंगे। टेक बाजार पे आप जाके इसको परचेज भी कर सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी आप हैं, साइज आप बताइए। चूंकि हम लोग इंडस्ट्री में अपने लिए बनाते हैं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं वो चीज आपके लिए भी बना के आपको दे दूं, ई रिक्शा हो, आईटी हो। जब तक आपका काम छोटा है तब तक आप मैन्युअली करिए, जब आपको लगता है कि आप मशीन अफोर्ड कर सकते हैं, 3-4 लाख रुपए आप इस चीज में सेगमेंट में लगा सकते हैं, इंस्टेंट उठाइए, रोल मंगाइए और उसको आप मशीन पे शिफ्ट कर जाइए। पाउचेस में आपकी वेस्टेज कुछ नहीं है, जो साइज आप बोलेंगे उस साइज के पाउचेस बन जाते हैं और आराम से आप उसको इंप्लीमेंट भी कर सकते हो। तो दोस्तों, कैसा लगा ये आइडिया आपको,
अगर नॉर्मली आपको समझ में आया हो तो जितना बड़ा झंझट हमारे लिए था पहले उस मशीन को स्टार्ट करने में, उसकी 1/4 कॉस्ट में हमने अपनी बैटरी को भी वैसी पैक कर लिया जैसे ब्रांडेड बैटरी होती है और हमारी कीमत भी ज्यादा नहीं लगी। तो आशा करता हूं ये वीडियो, ये कंटेंट आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही किसी अगले कंटेंट के साथ फिर मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में बताइए कि कंटेंट कैसा लगा, और अगले कंटेंट के लिए भी आप मुझे बता सकते हैं कि अगली वीडियो किस पे हो। लिथियम के लिए मैं तैयारी कर रहा हूं, बहुत जल्दी लिथियम पे भी हम लोग काम करना शुरू कर देंगे और लिथियम के कोर्सेज भी हम दे देंगे। इसका सबटाइटलिंग भी चल रही है, जो इंग्लिश के कुछ लोग श्रीलंका से हैं उन लोग को लैंग्वेज की दिक्कत है तो उन लोग के लिए सबटाइटलिंग भी चल रही है, वहां पे भी हम सीसीज बना रहे हैं इसकी, वो भी जल्दी दे देंगे। आप प्यार दीजिए, बस सपोर्ट दीजिए, चीजें आप देखते रहिए, बैटरी स्कूल सारी वो चीजें आपको अरेंज करके देगा जो कि एक इंडस्ट्री के लिए आपको चाहिए थी। आप बोलिए, मैं उसको करके देता हूं। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।